दो प्लेट चाहिए थी। हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ क्यों ले आए? मम्मी पापा और रिंकू होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुलाया। अरे बताना तो चाहिए था। खाना कम आई। क्या हुआ बेटा? अरे बस बस बेटा। बेटा सब ठीक तो है ना? जी आप भीतर तो आइए। हाँ। मैं आता हूँ। त्रिवाड़ी जी सब आ गए हैं, जरा आएंगे। बेटी तुझे तो पता होगा अंकुर ने क्यों बुलाया हमें। नहीं पापा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आज आप सबके सामने मैं श्रेया से कुछ कहना चाहता हूँ जो पहले नहीं कह पाया। हमारी शादी के वक्त सिर्फ सात ही फेरे हुए थे, मन में अभी भी एक फेरा रह गया है। आज आप सबके सामने मैं वो आठवां फेरा लेना चाहता हूं। एक सेकंड। मैं सॉरी। मैं अग्नि को साक्षी मानते हुए तुम्हें वचन देना चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा अपने बराबर समझूंगा, अपने से कम नहीं। और मां बनने के बाद तुम सिर्फ मां ही बनके रह जाओ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम्हारे सपने भी पूरे हो उसके लिए कभी कभी मैं भी मां बन जाया करूंगा। और सिर्फ एक पति ही नहीं, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। और ऐसी हालत में अब इससे ज्यादा तुम्हें चलने भी नहीं दूंगा। त्रिपाठी जी अगर सचमुच प्यार है तो दिखाइए विवाह के समय, एक साल बाद, 10 साल बाद लीजिए आठवां फेरा। क्योंकि रिश्ते में प्यार बराबर का है तो अधिकार भी बराबर का होना चाहिए।